गुंडे ने परी को मारा चाकू, अब कैसे बचाएगा राजीव परी की जान। जी हाँ, परी और राजीव कामयाब हो चुके हैं राकेश के चंगुल से भागने में। दोनों भागकर शामिल हो जाते हैं माता रानी के चौकी में, जहां राजीव परी को कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब बस 200 मीटर ही बचे हुए हैं। वहीं राकेश के पिता का सबसे खास गुंडा परी की जान के पीछे हाथ धोकर पर चुका है और उसने अपने आदमियों से कह दिया है कि परी की जान कैसी भी जानी चाहिए, वरना वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में परी और राजीव लगातार भाग रहे हैं उन गुंडों से अपना पीछा छुड़ाते हुए। वहीं राजीव जब परी से बात कर रहा होता है, तभी पीछे से गुंडे का एक आदमी आकर परी को अगवा कर लेता है और एक सुनसान से जगह पर ले जाकर कहता है कि अब कहां भागोगी, अब कैसे बचोगी, और मार देता है परी को चाकू। जी हाँ, तो चाकू मारते ही परी हो जाती है लहूलुहान। और जब राजीव देखता है कि परी उसके आसपास कहीं नहीं है, तो हो जाता है राजीव शॉक। अब ऐसे में ये देखना खास है कि राजीव कैसे बचाता है परी की जान, कैसे बचेगी परी की जान। वेल, तो आप इस अपकमिंग ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।